दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। बिलासपुर के कोठीपुरा और राजपुरा के साथ लगती ग्राम पंचायतों के प्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने बिलासपुर एम्स प्रशासन से सीवरेज के गंदे पानी की निकासी के लिए उचित प्रबंध व इस समस्या के निदान की मांग की। पत्रकारों से रूबरू होते हुए श्री नैना देवी ब्लॉक कांग्रेस महासचिव श्रवण ठाकुर और अन्य ग्रामीणों ने कहा कि बिलासपुर एम्स द्वारा सीवरेज का गंदा पानी अक्सर रात को छोड़ा जाता है, जिससे साथ लगते गांवों की बौड़ियों और प्राकृतिक जल स्रोतों का पानी दूषित हो रहा है, जो लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। उन्होंने जिला प्रशासन से भी इस समस्या का शीघ्र हल करने की मांग की है। श्रवण ठाकुर, महासचिव नैना देवी ब्लॉक। एम्स जो है आज की डेट में एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। पहला, जो सीवरेज का पानी गंदा लोगों को बहता हुआ पानी की स्कीमों में मिल रहा है। नंबर दो, ये जो एक निजी कंपनी रातों रात 5-6 बंदों को डेली रख रही है, उसके खिलाफ और कंपनी का जो आहुजा नाम का, उनके ऊपर हम FIR दर्ज करेंगे कि ये बैकडोर से भर्तियां कैसे हो रही है, जिनका कोई मापदंड नहीं है। और नंबर दो, जो पीछे पैसों का लेन देन हुआ, आशुतोष जी को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। और वो कौन थी लेडीज जिसने पैसे लिए हैं लोगों से, और भी लोग हमारे संपर्क में हैं जिनसे पैसे लिए हैं, जल्दी और भी खुलासा होगा। तो इसलिए हमारा निवेदन है कि इस चीज़ को सबके सामने आनी चाहिए, क्योंकि एम्स जो है एक ऐसा अड्डा बन चुका है जहाँ पर रातों रात कोई पता नहीं क्या हो रहा है। इसलिए यही मेरा है कि जल्दी से जल्दी चीज़ें हो, पात्र लोग जो है, जो गरीब लोग जो है, उनको एम्स में नौकरी मिलनी चाहिए। ये नहीं किसी घर से आप 10-10 लगा रहे हैं, 8-8 लगा रहे हैं, और किसी घर से आप एक भी नहीं लगा रहे हैं। और ये 420 केंद्र में FIR जरूर करेंगे, निजी कंपनी पे, निजी कंपनी के मालिक पे भी करेंगे। और अगर वो स्पष्ट नहीं वो बताएंगे कि आप किसको जवाब दे रहे हैं, किनको, तब भी हम, हो सकता है कि आंदोलन पे भी आ जाइए। तो शॉर्ट था, कहीं ये त्रिवेणी घाट वाली जैसी घटना नहीं पैदा करनी पड़े कि लोगों के हितों का जो हनन जो हो रहा है। इसलिए मजबूरन हमें, अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो हो सकता है लोग सड़कों पर उतरे, आंदोलन पाए, इसके लिए एम्स इसका जिम्मेवार होगा। सिटी चैनल के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।